बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एन टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो हमने पेपर शुरू किया था यूडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट और स्टोरकीपर का। इन तीनों पोस्टों के लिए एक ही पेपर हो चुका था, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आज 11/12/2022 को यह पेपर हो चुका है। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, इस वक्त पार्ट नंबर 2 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। 25 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दिस वन, हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन मनीला। ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, ट्रंप किम्प समिट वॉज अरेंज्ड एट सिंगापुर। इट वॉज अरेंज्ड एट सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्री हैज इम्पोज टैक्स ऑन कार्बन। सिंगापुर हैज इम्पोज टैक्स ऑन कार्बन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, व्हेन इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे ऑब्जर्व। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे इज ऑब्जर्व ऑन 21 मार्च ईच ईयर। क्वेश्चन नंबर 30 देखे, नेम ऑफ द रीसेंट मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी। रद्दुल पसाद, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मैथमेटिक्स के हैं 10 क्वेश्चन। कंप्लीट द सीरीज 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6। तो इसमें आपने ऐसा करने के दो सीरीज बनाने हैं आपने। आज देखिए, पहला ये 2, 3, 4, 5 और 6, इसको अलाइदा करना है आपने। अब दूसरे को देखिए, ये है 4, 4 के साथ क्या करना है, 5 जमा करना है तो आएगा 9। 5 क्या है, ऑड नंबर है। 5 क्या है, ऑड नंबर। अब नेक्स्ट ऑड नंबर 7 है, 9 के साथ 7 जमा करें 16 आ जाएगा। नेक्स्ट 9 है, 9, 16 के साथ 9 जमा करो तो 25 आएगा। 9 के बाद ऑड नंबर 11 है, तो 25 के साथ 11 जमा करो 36 आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 36, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 देखे, 32 नंबर क्वेश्चन और 33, ये दो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ द सीलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 33 जो है, 28 16 220, What was the cost if the rate of profit was 10% of the cost? ये easy है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। 34 नंबर क्वेश्चन, what would be next? अब इसको जरा यहां जरा और देखिए, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये हमारे पास है 6, 9, 18, 45 और 126। तो इसका ऐसा है कि हर इनसे को 6 को 3 से जरब देना है, तमाम को 3 से जरब देना है, और फिर हर एक में से क्या करना है, 9 माइनस करना है। जिस तरह 3 6 18 आएगा, 18 में से 9 माइनस करो तो 9 आएगा, ठीक है। और 9 को 3 से जरब दो, 3 में 27 में से 9 माइनस करो तो 18 आ जाएगा। 18 3 54 54 में से 9 माइनस करो तो 45 आएगा। अब 45 को 3 से अगर आप जरब दोगे तो 135 आएगा। 135 में से 9 माइनस करो तो 126 आ जाएगा। 126 को अगर आप 3 से जरब दोगे तो 378 आएगा। 378 में से 9 माइनस करे तो 1369 आएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 35 देखे, 35
कंप्लीट द सीरीज, कंप्लीट द सीरीज। तो यहां भी देखे, यहां कुछ लॉजिक इस तरह है, ये तीन एसर 6, 9, 13, 16, 20 और 23, इसके साथ तीन जमा करें, पहले के साथ क्या करना है, तीन जमा करना है। तो तीन, 6 के साथ तीन जमा करो, 9 आ जाएगा। अब 9 के साथ क्या करना है, 4 जमा करना है, तो ये आ जाएगा 13। अब 13 के साथ वंस अगेन तीन जमा करना है, 16 आएगा, 16 के साथ 4। अब इसको रिपीट करना है, ठीक है, एक इनसे को तीन जमा करना है, दूसरे के साथ 4 जमा करना है। अब यहां क्या करना है, तीन जमा करना है, 23 आएगा, 23 के साथ 4 जमा करना है तो 27 आएगा, और 27 के साथ 3 जमा करना है तो फिर हो क्या आएगा, 30 आएगा। तो इसका आंसर हो गया 27 और 4 30। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36। अ मैन बॉट सम टाइस ऑन 60, 60 रुपए पर खरीदे और 50 पर फिरोख कर दिए, तो इसने कितना परसेंट नुकसान उठाया। अब इसका तरीका यह है कि इसका पहला नुकसान मालूम करें, 50 में से 10, अच्छा 60 में से 50 माइनस करें, 10 आएगा, यह आ गया 10, और इसको कास्ट प्राइस कितने पर खरीदा उस पर तकसीम करें, और जरब दे दे आप इसको 100 से, तो इस तरह आपके साथ परसेंटेज निकल आएगा। अब इसको क्रॉस करें, ये 0 क्रॉस हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब इसको 2 से 3 दोना और 5 दोना 10। अब ये 5 और 10 जरब का लेगा तो 50 आएगा, 50 तकसीम 3 को आप करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 16.6, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, 37। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग, ये तो मेरा ख्याल इजी है। अब इसमें से एक माइनस करो तो 59 आएगा, 59 में से 2 माइनस करो 57 आएगा, 57 में से 3 माइनस करो 54 आएगा, 54 में से 4 माइनस करो 50 आएगा, और 50 में से 5 माइनस करना है तो 45 आएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 38, इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब यहां जरा गौर से देखें, यह है 3 और 3, फिर है 5 और 5, और आगे है 7 और 7। तो ये इनसे दो, ये ऑड नंबर्स भी हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं। अगर इसको हम ऑड नंबर्स कंसिडर करें, 3, 3, 5, 5, 7, 7, तो फिर तो 9 आंसर आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। अगर इसको हम प्राइम नंबर्स कंसिडर करें, 3, 5, 7, फिर आएगा 11, तो इसका एक जवाब, एक आंसर 11, 11 भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज है, इसका दोनों ऑप्शन सही है, डी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, 39। एन आर्टिकल परचेज 450 रुपए पर खरीदा, 495 रुपए पर फिरोख कर दिया, तो फिर ये वही क्वेश्चन है, फिर दोबारा 495 में से 450 आपने माइनस करना है तो इसका आएगा 45, कितना कमाया, 45। अब इस 45 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसके डिवाइड करना है किस, कितने पर खरीदा है, 450 पर, 450 पर, और इसको जरब देना है आपने 100 से, तो देखिए कितना परसेंट आएगा। अब देखिए ये 10 क्रॉस हो गया इसके साथ, ये 45 क्रॉस हो गया इसके साथ, ये जवाब आएगा इसका 10%, तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखे, 40 नंबर क्वेश्चन को, इंसर्ट द मिसिंग नंबर 6, 8, 10, 11, 14 और नेक्स्ट है 15। तो इसका, इसका जनना देखे, इसके बिहाइंड लॉजिक जो है ना दोस्तों, ये ऐसा है, इसके साथ 2 जमा करो, 6
दस, अच्छा इसका भी दो है, दो बनाना है, दो ग्रुप बनाने हैं। देखे ये छः, छः के साथ चार जमा करो, दस, दस के साथ चार जमा करो चौदह, चौदह के साथ चार जमा करो तो अठारह आएगा इसका आंसर। ये देखिए नेक्स्ट इसका यहाँ पर 18 खाली जगह है, और यहाँ पर 8 है तो 8 के साथ 3 जमा करो 11, 11 के साथ 4 जमा करो 15, इस तरह ये लॉजिक है। ठीक है, 6 के साथ 4 10, 10 के साथ 4 14, 14 के साथ 4 18, तो ये हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद कंप्यूटर की क्वेश्चन है तो उसको नेक्स्ट वीडियो पर छोड़ते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।